हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यू स्पोर्ट मैच रिव्यू। और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे यूएफए चैंपियंस लीग का मैच जो कि खेला जाएगा बिटवीन पीएसजी यानी पेरिस सेंट जर्मैन और बोरोशिया डॉर्टमुंड के बीच में। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन के बारे में और आपको देंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको आपकी टीम बनाने में हेल्प कर सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यदि आपको एक कॉन्टेस्ट खेलना है तो ये कॉन्टेस्ट आप फैंटेसी अखाड़ा पर खेल सकते हैं, बिकॉज फैंटेसी अखाड़ा आपको देता है लोएस्ट कमीशन का ऑफर जिसपे आपको सबसे कम प्लेटफॉर्म फीस लगती है। फैंटेसी अखाड़ा अपने पास सबसे कम पार्ट रखता है कमीशन का, जिससे आपकी विनिंग्स मैक्सिमाइज होती हैं, आपकी सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। सो जाइए फैंटेसी अखाड़ा ऐप को चेक करिएगा और ये कॉन्टेस्ट वहाँ पर ज़रूर खेलिएगा। आइए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं देखने सीधे अपना बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन इस मैच का। सो गोलकीपर हमने ग्रेगोर कोबल को लिया, डेफिनेटली ज़्यादा सेव्स करेंगे और ओवरऑल भी अभी तक पूरे चैंपियंस लीग में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। दोस्तों ये लेग होगा पेरिस में पार्क डी प्रिंसेस में उनके होम पे। पहला लेग डॉर्टमुंड सरप्राइजिंगली 1-0 जीत गए थे। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली तो हमें नहीं कहना दोस्तों, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डेथ से भी निकल के आए थे जहां इनको किसी ने चांस नहीं दिया था। मार्को रॉयस ने अनाउंस कर दिया इनके क्लब लेजेंड ने कि वो इस सीजन के बाद छोड़ के जा रहे हैं। सो उनके लिए ये एक प्रॉपर अच्छा मैच हो सकता है, ये उनका लास्ट मैच भी हो सकता है इन यूरोप UCL, या एक ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है डॉर्टमुंड ये मैच जीत के एक बार फिर से फाइनल में जाए वेम्बली में एंड मार्को रॉयस को अच्छा सरप्राइज दे। सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बैटल। ऑल्दो हमें लगता है कि पीएसजी के पास फायर पर बहुत ज्यादा है इस डॉर्टमुंड की बैकलाइन को हर्ट करने के लिए। डॉर्टमुंड कभी कभी बहुत अच्छा खेलती है, कभी कभी बहुत ही कम कन्विंसिंग दिखते हैं। सो इट विल बी अ वेरी डायनेमिक, वेरी वोलेटाइल सॉर्ट ऑफ मैच, बट वी वोंट बी सरप्राइज अगर डॉर्टमुंड यहाँ पे जीत निकाल लेती है। बहुत ही इवन मैच होगा, इसलिए कोबल हमें लगता है ज़्यादा सेव्स करेंगे बिकॉज पीएसजी पीछे है। सो आज डेफिनेटली ज़्यादा शॉट्स ही लेंगे। अब हम लोग अपने डिफेंस सेक्शन की बात करें, सो हमने अशरफ हकीमी और नूनो मेंडेस दोनों ही फुलबैक्स को लिया है। दोनों काफ़ी अच्छे फुलबैक्स हैं। अशरफ हकीमी आपको ऑफेंसिव थ्रेट बहुत अच्छा देंगे। नूनो मेंडेस के लास्ट मैच में जेडन सैंचो ने हालत ख़राब कर दी थी, बट सिंस ही इज अगेंस्ट जेडन सैंचो जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिबल्स कंप्लीट किए थे, सो इनको टैकलिंग और इंटरसेप्शन की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड इस मैच में भी इनका रोल इंपॉर्टेंट होगा। दैट्स हमने लिया है। अगर आपको एक प्लेयर चाहिए जो आप एरियली बहुत अच्छा है तो आप मार्किनियोस को ले सकते हैं या उनके पार्टनर बेराल्डो को कंसिडर कर सकते हैं जो आपको मेनली केवल पासिंग से पॉइंट्स देंगे। डॉर्टमुंड सामने निकोलस श्लॉटरबैक को लिया है, बहुत ही अच्छे सेंटर बैक रहे हैं। अभी तक पीएसजी के साथ 3 मैच हुए हैं यूसीएल में, उन्होंने तीनों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लास्ट मैच में असिस्ट दिया था, इनकी लॉन्ग बॉल थ्रू बॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही आगे इनकी लीप जाती है, बहुत ही अच्छे हेडर ऑफ द बॉल भी हैं, काफ़ी लंबे काफ़ी टॉल हैं। सो ये आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पासेस काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट करते हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पासेस कंप्लीटेड है फॉर डॉर्टमुंड इनके बुंडेसलीगा में। सो आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। अगर आपको कोई प्लेयर चाहिए जो ऑफेंसिवली बहुत अच्छा थ्रेट दे सकता है तो वो इयान मार्टसन है, जिन्होंने लास्ट मैच भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग अपने मिडफील्ड सेक्शन की तरफ चलते हैं, मगर मिडफील्ड सेक्शन पर जाने से पहले हम आपको व्यू स्पोर्ट के एक नए ऑफर के बारे में बता दें। जी हाँ दोस्तों, व्यू स्पोर्ट पर आपको मिलेगी ग्रैंड लीग टीम्स का फीचर। आपको पूरे क्रिकेट या फुटबॉल के जितने भी बड़े मैचेस हैं उन सब की व्यू स्पोर्ट की AI जनरेटेड टीम्स मिलेगी एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। आपको 20 ग्रैंड लीग टीम्स और एक स्मॉल लीग टीम मिलेगी। सो जाइए इस फीचर का फायदा जरूर उठाइएगा, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों व्यू स्पोर्ट ने मल्टी पैक भी लॉन्च किया है। आपको 1 दिन की, 3 दिन की या 7 डेज की क्रिकेट और फुटबॉल की जितने भी मैचेस हैं, जिस भी हिसाब से आप पैक लेना चाहते हैं, जो भी आपकी एपिटाइट है पे करने की, उसके हिसाब से आप मल्टी पैक का भी फायदा उठा सकते हैं। बेसिकली फॉर स्मॉल इन्वेस्टर जो एक सिलेक्टेड डे के मैचेस खेलना चाहते हैं, सो जाइए इस पैक का फायदा उठाइए, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी सभी इनसाइट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ मिडफील्ड सेक्शन की अगर हम बात करें, सो हमने उस्मान डेम्बेले और विटिनिया फेरेरा को लिया है फ्रॉम पेरिस सेंट जर्मैन। दोनों ही आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नाउ डेम्बेले के परफॉर्मेंस थोड़े से अनकन्विंसिंग थे फर्स्ट लेग में, ये दूर से शॉट ले रहे थे, बट सिंस इनका शॉट वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था तो इन्हें शॉट ऑन टारगेट और चांस क्रिएशन के पॉइंट्स अच्छे मिल सकते हैं। दैट्स वो आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। विटिनिया पेरिस के मिडफील्ड के इस बार के बेस्ट प्लेयर रहे पूरे सीजन में, टैकल इंटरसेप्शन चांस क्रिएशन नंबर्स प्रॉपरली मिडफील्ड कंट्रोल करते हैं, ऑफेंसिव थ्रेट लॉन्ग रेंज शॉट्स ने हर तरीके से आपको पॉइंट देते हैं, आपकी टीम के लिए मस्ट हैव होंगे। अगर आप पीएसजी को बैक कर रहे हैं तो आप सीवीसी भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, सो हमने बोरोशिया डॉर्टमुंड से जेडन सैंचो को लिया जो कि फर्स्ट लेग में बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव थे। इनका असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, चांस क्रिएशन नंबर्स इनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फर्स्ट लेग में इन्होंने 10 से भी ऊपर ड्रिबल्स कंप्लीट किए थे। सो जेडन सैंचो आपकी टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे। और हमने जूलियन ब्रांड को लिया जो सभी सेट पीसेस लेंगे, जब तक मार्को रॉयस फील्ड पर नहीं है तब तक ये पेनल्टी ड्यूटीज भी शेयर करेंगे। सो ये दोनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड अगर इस मैच में बोरोशिया डॉर्टमुंड को कुछ अच्छा करना है, सो जेडन सैंचो और जूलियन ब्रांड को फर्स्ट लेग जैसी परफॉर्मेंस रिपीट करनी होगी। लास्ट मिडफील्ड स्लॉट पर हमने मार्सल साबिटजर लिया है, बेसिकली बेस पॉइंट्स काफ़ी अच्छा देते हैं।
लॉन्ग रेंज से शॉट लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इनकी जगह आप थोड़ा सा टिंकर कर सकते हैं, आप एक एक्स्ट्रा डिफेंडर ले सकते हैं अगर आपको डॉर्टमंड से मार्टसन चाहिए, पीएसजी से मार्किन्योस ले सकते हैं, या अगर आपको मिडफील्ड में कोई स्लॉट चाहिए तो आप समवन लाइक वॉरेन ज़ायर एमरी को ले सकते हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। साबिट्ज़र को हमने लिया बिकॉज इनसे डिफेंसिव पॉइंट्स आपको अश्योर्ड मिलेंगे। थोड़ा सा ऑफेंसिव थ्रेट चाहिए या पीएसजी को आप बैक करें तो आप वॉरेन ज़ायर एमरी को ले सकते हैं। क्लीन शीट के लिए हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा डिफेंडर हम रिकमेंड नहीं करेंगे, या आप आगे किसी एक्स्ट्रा अटैकर जैसे बारकोला जैसे प्लेयर को भी कंसिडर कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम लोग अपने फॉरवर्ड सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो फॉरवर्ड सेक्शन में हमने दोनों ही फॉरवर्ड्स लिए, निकोलस फुलक्रूक को हमने लिया है फ्रॉम बोरुशिया डॉर्टमंड और किलियन एम्बापे को लिया है फ्रॉम पीएसजी। नाउ काफी इंपॉर्टेंट डायनेमिक्स है। फुलक्रूक ने फर्स्ट मैच बहुत ही अच्छा गोल स्कोर किया था, प्रॉपर फर्स्ट टच फिनिश कंट्रोल के साथ उन्होंने गोल स्कोर किया था एंड उनका ही गोल अभी तक डिफरेंस बना हुआ है बिकॉज डॉर्टमंड इस लेग में 1-0 की लीड के साथ स्टार्ट करेगी। ऑन दी अदर एंड अगर किलियन एम्बापे की बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। लोग कह रहे हैं पीएसजी में कि इनको विंग्स पर स्टार्ट कराया जाए, अगर ऐसा होता है तो समवन लाइक गोंकालो रामोस या रेंडल कोलो मुआनी आज स्टार्ट कर सकते हैं स्ट्राइकर पोजीशन पे। सो एम्बापे का रोल देखना इंपॉर्टेंट होगा, इनकी ड्रिबलिंग और पेस स्टिल ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, अभी भी काफी ज्यादा ट्रबल कर सकती है, मेन गोल स्कोरर है, पेनल्टीज पर आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे एंड डेफिनेटली हाईएस्ट सीवीसी के भी ऑप्शन होंगे। नाउ फ्रेंड्स हम लोग अपने कुछ टॉप कैप्टनशिप पिक्स की तरफ चलते हैं। सो हमने किलियन एम्बापे और उस्मान डेम्बेले को दिया है पीएसजी से, दोनों आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। किलियन एम्बापे मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर होंगे, डेम्बेले आपको चांस क्रिएशन से अच्छे पॉइंट देंगे। अगर आपने डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक्स की बात करें तो हमने जेडन सैंचो और विटिनिया फेरेरा को लिया है। नाउ जेडन सैंचो की फर्स्ट टाइम में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी एंड मैं पता है कि ये पीएसजी का जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा वाटर टाइट नहीं है। सो जेडन सैंचो डॉर्टमंड के लिए काफ़ी डॉर्टमंड के तरफ से पीएसजी को काफ़ी ज़्यादा ट्रबल दे सकते हैं अपनी ड्रिबलिंग से, अपनी पेस से, अपनी ट्रिकरी से, ये आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। असिस्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड हमने विटिनिया फेरेरा को लिया है जो कि आपको गारंटीड अच्छे बेस पॉइंट देंगे, आराम से आपको 35-40 पॉइंट्स का स्कोर देंगे, चांसेस क्रिएट करेंगे, कभी कभी सेट पीसेस भी ये ले लेते हैं, आपको असिस्ट पोटेंशियल बहुत अच्छा देंगे, पासिंग से आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स देंगे। अगर हमने ग्रैंड लीग पिक से बात करें तो हमने फाबियन रूइस पेना को लिया है। नाउ फाबियन रूइस एक बहुत ही लग्जरी प्लेयर है जिनका ऑफेंसिव थ्रेड कभी कभी बहुत अच्छा हो सकता है बट डिफेंसिवली थोड़े से वो स्ट्रगल करते हैं, बट फाबियन रूइस को फर्स्ट लेग में अगर आपने मैच देखा होगा तो काफ़ी चांसेस मिले थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा हेडर मिस किया था इन फ्रंट ऑफ द गोल। सो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्ड वाला रोल खेलवाते हैं इनको लुइस एनरिके, सो फाबियन रूइस एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन अपने ग्रैंड लीग के लिए हो जाएंगे जो अच्छा ऑफेंसिव थ्रेड देंगे। एंड सेम गोस फॉर इयान मार्टसन जिनकी ओनरशिप बहुत कम है बट जब से डॉर्टमंड में आए ये नंबर वन इनके चॉइस बन गए हैं लेफ्ट साइड पे, बेंसे बाइने को इन्होंने रिप्लेस किया है। सो ये आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट ग्रैंड लीग के पिक्स हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स ये था हमारा फैंटेसी प्रीव्यू फॉर द यूएफए चैंपियंस लीग मैच बिटवीन पीएसजी एंड बोरुशिया डॉर्टमंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा। हम आपसे मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच। थैंक यू।